गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर या ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ। तो नगर के और ग्राम के जीवन में क्या अंतर होता है, इस पर हम आज प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला है अंतर ग्रामीण और नगरीय जीवन में कि जनसंख्या, जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 से कम होती है और नगर में 5,000 से ज्यादा होती है। दूसरा, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व ग्राम में 1 वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन शहर में 1 किलोमीटर में 400 व्यक्ति से ज्यादा होते हैं। तीसरा, इसका आकार, ग्राम का आकार छोटा होता है लेकिन नगर का आकार बड़ा होता है। चौथा, प्रकृति से संबंध, ग्राम का संबंध प्रकृति से होता है, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध ग्राम का होता है लेकिन नगर का संबंध प्रकृति से नहीं होता। पांचवा, सामाजिक संबंध जो है ग्राम में घनिष्ठ और अनौपचारिक पाए जाते हैं जबकि नगर में ये विरल और औपचारिक पाए जाते हैं। छठा है स्थायित्व, ग्राम का स्थायित्व होता है लेकिन नगर में निवास का स्थायित्व नहीं होता। सातवां है परिवार, ग्राम में ज्यादातर संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं लेकिन नगर में एकांकी परिवार देखने को मिलते हैं। आठवां, विवाह, ग्राम में विवाह जो है लड़की के या लड़के के माता पिता तय करते हैं लेकिन नगर में लड़का या लड़की अपने विवाह खुद तय करते हैं, यह अंतर पाया जाता है। नवां, स्त्रियों की स्थिति ग्राम में आज भी पर्दा पड़ता है, रूढ़िवादियां है लेकिन नगर में ऐसी प्रथाएं नहीं है। दसवां, सामाजिक गतिशीलता जो है ग्राम में एक जैसी होती है क्योंकि ग्राम में जो है जाति का आधार जो है मतलब वर्ग का आधार जो है वो जाति माना जाता है लेकिन नगर में नहीं माना जाता, नगर में उसके व्यवसाय को वर्ग माना जाता है। तो सामाजिक गतिशीलता जो है ग्राम में कम होती है लेकिन नगर में बहुत ज्यादा होती है क्योंकि जाति से बाहर व्यक्ति नहीं जा सकता लेकिन वर्ग से या व्यवसाय से बाहर वो व्यक्ति जा सकता है। सामाजिक नियंत्रण में जो नियंत्रण के प्रकार है उसमें अनौपचारिक प्रकार पाए जाते हैं जबकि ग्राम में अनौपचारिक प्रकार पाए जाते हैं लेकिन नगर में औपचारिक प्रकार पाए जाते हैं। बारहवां है सामाजिक समस्या जो है ग्राम में कम होती है लेकिन शहर में बहुत ज्यादा होती है, जैसे बेरोजगारी है, भिक्षावृत्ति है, ये ग्राम में कम पाई जाती है लेकिन नगर में ज्यादा पाई जाती है। तेरा है धर्म, ग्राम में व्यक्ति जो है ईश्वर से प्रकृति से संबंधित होता है लेकिन नगर में वो अपने विवेक से और उसमें भाग्य का अभाव होता है। चौदह है सांस्कृतिक जीवन में ग्राम में जो है बहुत घनिष्ठता होने के कारण जो है संस्कृति का विकास होता है लेकिन नगर में जो सांस्कृतिक नियम इतने नहीं होते क्योंकि अलग अलग संस्कृति के लोग निवास करते हैं। पंद्रह, आर्थिक जीवन जो है वो कृषि पर निर्भर होता है, 75% से ज्यादा लोगों का किसमें ग्राम में, लेकिन नगर में 75% से ज्यादा लोगों का कार्य गैर कृषि कार्य होता है। छठा है व्यवसाय, ग्राम में व्यवसाय जो है वो प्रकृति से संबंधित होता है लेकिन नगर में व्यवसाय जो है गैर प्राकृतिक होता है। सातवां, राजनीतिक व्यवस्था, ग्राम में जनमत को बहुमत दिया जाता है लेकिन नगर में जनमत का अभाव होता है। तो यह थी जानकारी ग्राम और नगरीय जीवन में अंतर की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके
इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।